वर्षा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने वाली छाछ। वो इसलिए गर्मी का मौसम है, सभी को ठंडा ठंडा कूल कूल कोई समर ड्रिंक चाहिए, और ऐसा ड्रिंक जो एशियंट हो, हमारी दादी नानी के जमाने की छाछ बनाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत से लोगों को नहीं आती, बहुत सारे लोगों को आती भी होगी। जिनको नहीं आती वो प्लीज देखिए, हम एक लोटा या जग लेंगे और हम उसमें घर का जमाया हुआ थोड़ा सा दही डालेंगे। ये ध्यान रखना है कि दही घर का ही जमा हुआ हो, क्योंकि बाजार के दही की छाछ में वो बात कहाँ। मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच दही लिया है और मैं इसमें डालूंगी करीब करीब 1 गिलास पानी, और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी पुदीना, घर का उगा हुआ पुदीना है मेरे पास। आपके पास ना हो तो बाजार से भी पुदीना ला सकते हैं, और जिसके पास ना हो वो पुदीने का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और ये छाछ जो है ना, ये नमकीन ही बनाइएगा, क्योंकि पुदीने वाली मीठी छाछ तो अच्छी नहीं लगती, और पुदीने की छाछ इसलिए क्योंकि ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है। तो थोड़ा सा पुदीना 5-6 पत्ते में डालूंगी इसके अंदर। इनको ऐसे तोड़िए, और तोड़ने के बाद इसको हथेली पर रखिए और ऐसे क्रश कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आएगी। हाँ, हाथों में भी हो जाती है स्मेल, पता है। बस अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक। काला नमक जरूरी है, और दूसरा अगर सफेद नमक डालना है ना तो वो सेंधा नमक डालिएगा। दूसरा वाला वो टाटा वाटा वाला नमक मत डालिएगा, वो आप खाया ही मत कीजिए, मंगाया ही नहीं कीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, ये बहुत जरूरी है काली मिर्च खानी, क्योंकि हम जो भी इंटेक करते हैं ना, सपोज कि आजकल प्रोटीन खाने की सलाह दी जा रही है कि कोरोना है प्रोटीन ज्यादा खाओ। प्रोटीन हमारे शरीर में जब तक पचेगा नहीं, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आप कितना भी अच्छा खाना खा लेंगे जब तक वो आपके शरीर को एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, तो वो लगेगा ही नहीं शरीर में। आप सोचेंगे हम तो इतना अच्छा अच्छा खा रहे हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, कुछ फायदा नहीं हो रहा। इसलिए बता रही हूँ कि काली मिर्च खाने से प्रोटीन का जो अंदर टूटता है ना, प्रोटीन बहुत आसानी से टूटता है और एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। इसके अलावा हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, ये भी बहुत अच्छा है हाजमे के लिए, बहुत अच्छा है। आप कितना भी खाना खा लेंगे ना तो उसके बाद हजम करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये भुने हुए जीरे को भी मैं हाथ से इसलिए मसल रही हूँ कि इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है हाथ से मसलने के बाद। अगर आप मिक्सी में मसलते हैं और हाथ से मसलते हैं ना, उसका उतना ही फर्क है जो आप सलबट्टे की चटनी बनाते हैं और मिक्सी की चटनी बनाते हैं, समझ गए। बस अब इसके बाद क्या करना है, रई लेनी है और इसको आराम से मजे। अच्छा, जो कुल्लड़ लेंगे ना, मेरे हिसाब से तो कुल्लड़ ही लीजिए, 5 के गिलास में भी बना सकते हैं, लेकिन कुल्लड़ में ना बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। इसको पानी से बिल्कुल मत धोइए, इसको सूखे कपड़े से ही साफ कर लीजिए, और इसको छाछ को मत्ते पकना, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो आप थोड़ी सी कुटी हुई बर्फ जरूर डालिएगा, नहीं तो आप कहेंगे ये समर ड्रिंक कूल ड्रिंक कैसे वर्षा, इसमें तो तुमने कुछ भी नहीं डाला कूल करने के लिए। वैसे तो मेरा प्यार तो बहुत है आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी बर्फ भी जरूरी है, क्यों ठीक था ना। हाँ हाँ, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है छाछ, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। बाजार में भी बहुत तरह की पैकेट वाली छाछ मिलती है, लेकिन जब आप ये वर्षा की रसोई की छाछ पियेंगे ना, ये देखिए बाजार की सारी छाछ भूल जाएंगे, मैं बता रही हूँ। और 2 शोकर में मैं इसलिए इसको डाल रही हूँ ताकि मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ जाए। ये देखिए, लग रही है ना वर्षा छाछ वाली बनारस की, ये बनारस की छाछ से भी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें पुदीना है, काला नमक है, बर्फ है, दही है वर्षा के हाथ का जमाया हुआ ताजा। तो ये छाछ जरूर बनाइएगा गर्मियों में, पीजिएगा, पिलाइएगा, मुझे याद कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देंगे ही तो छाछ पीजिए, खुश रहिए, कूल रहिए, खिलखिलाते रहिए मेरी रसोई में।